दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के आन पर। दोस्तों आज है 30 दिसंबर 2019, एक बार फिर से हम आपके लिए 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट है, सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट सभी की जनवरी 2020 में है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत लीगल ऑफिसर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए वेरियस खाली पद है। सैलरी लीगल ऑफिसर और मैनेजर के लिए 77,208 है, जबकि असिस्टेंट मैनेजर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए 63,172 पर मंथ के लिए है। इस भर्ती के लिए बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और बैचलर्स डिग्री इन लॉ या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 21 से 30, 32 और 35 वर्ष और एक पोस्ट के लिए 25 से 40 वर्ष है। जनरल या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क है। एसटी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। rbi.org.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि आज ही से शुरू होंगे। जहाँ दोस्तों स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 दिसंबर 2019 है, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 जनवरी 2020 है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 20 जनवरी 2020 है, एग्जाम हेल्ड होगा 15 फरवरी 2020 को। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्पेस सेंटर में। जहाँ दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत साइंटिस्ट या इंजीनियर और मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकली है। 21 वैकेंसीज है। सैलरी 56,100 से 1,77,500, लेवल 10 और 67,700 से 2,08,700, लेवल 11 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। बीबीटेक, एमबीबीएस, एमडी, एमएस या डीएनबी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या ओबीसी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। एसएसटी फीमेल पीडब्ल्यूडी को शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर एसबीआई चालान से ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। नेलोर आंध्र प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। sar.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि 28 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 17 जनवरी 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती है, जिसके अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, साइकेट्रिक नर्स, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, यूआरओ टेक्नीशियन और डेंटल मैकेनिक के 107 खाली पद है। सैलरी 25,500, 47,600 अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। जनरल या ओबीसी के लिए 1,500 रुपये आवेदन शुल्क है, जबकि एससीएसटी के लिए 1,200 है। पीडब्ल्यूडी को शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पुडुचेरी जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। jipmer.edu.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 जनवरी 2020 है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 3 फरवरी 2020 से। एग्जाम हेल्ड होगा 23 फरवरी 2020 को। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। स्पोर्ट कोटा ग्रुप सी की भर्ती है। 26 खाली पद है। सैलरी लेवल 3 से लेवल 5 तक प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं आईटीआई और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन एग्जाम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। sacr.indianrailways.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 14 दिसंबर से। लास्ट डेट 13 जनवरी 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जिला अदालत के अंतर्गत ग्रुप डी की भर्ती निकली है। वेरियस खाली पद है। 49,000 से 10,680 प्लस ग्रेड पे
₹1300 प्रोवाइड किया जाएगा। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 45 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। चयन होगा बिना एग्जाम के इंटरव्यू के आधार पर। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। HP जॉब लोकेशन है ecode.gov.in, इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 जनवरी 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में। बेसिल के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर की बड़ी भर्ती निकली है। 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 19572 ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जबकि 17991 12वीं पास के लिए अप्लाई की जाएगी। 12वीं और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बेसिल रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। जनरली OBC के लिए ₹500 शुल्क है, जबकि SST PH के लिए ₹250 है। शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। basil.com इसका ऑफिशियल पोर्टल है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 7 जनवरी 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 7th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकले नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड में। साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट के वेरियस खाली पद है। साइंटिस्ट के लिए 67,700 से 2,08,700 लेवल 11 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जबकि सीनियर साइंटिस्ट के लिए 78,800 से 2,09,200 लेवल 12 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। PhD डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 32 और 37 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। UR या EWS या OBC के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है, जबकि SC ST PWD या वोमेन के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। शुल्क आप NEFT बैंक ट्रांसफर या नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो। बिना एग्जाम की भर्ती या इंटरव्यू से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पुणे महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है ncl-india.org। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 जनवरी 2020 है। ऑनलाइन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 24 जनवरी 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 30 दिसंबर 2019 की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।